हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज कंज्यूमर शेयर के बारे में। बजाज कंज्यूमर शेयर छोटा सा शेयर है, उसका मूवमेंट देखेंगे, उसका टारगेट भी बनाएंगे, कितना रहेगा स्ट्रैटेजी, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो ये रहा बजाज कंज्यूमर का शेयर, मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल में आप देख पा रहे 180 अभी क्लोजिंग दिया है 180 पर, और ये अगर छोटा करेंगे तो ये 100 के आसपास सपोर्ट लिया है, उसके पास 150 के पास में सपोर्ट लिया है। इसका अभी जूम करेंगे, जूम में देखेंगे तो इसका क्या स्ट्रैटेजी रहा है। ये रहा यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी देख पा रहे हैं, 150 के आसपास ये एक बार होल्ड किया है 150 का, और 180 के आसपास अभी क्लोजिंग दिया है। यहाँ से गिरावट शुरू है, आपका क्या लेना है। जब भी कोई भी प्राइस एंट्री करना है तो पहले हम आपको सपोर्ट दिखा देते हैं। सपोर्ट ये 150, आपको एंट्री पॉइंट सबसे बढ़िया पॉइंट होगा 150 के पास आप एंट्री करिए, और यहाँ से अगर रिवर्स पैटर्न बनता है तो 300 आराम से टारगेट बना सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए है कि ये मंथली कैंडल है। अगर वन डे कैंडल हम देखा जाए तो वन डे कैंडल चार्ट मार दिया, वन डे कैंडल में ये बियरिश पैटर्न है, बहुत दिन से बियरिश पैटर्न में चल रहा है। ये जो हाई बनाया था देख पा रहे 300 के आसपास में हाई बनाया था, वहाँ से गिरावट शुरू हुआ है अभी 180 के पास, मैंने 50% गिर चुका है अभी तक। तो आपको अगर एंट्री भी अच्छा टाइम में है, अगर इन्वेस्टर का रेटिंग भी देखेंगे कैसा रहता है, इन्वेस्टर का रेटिंग वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये रहा बजाज कंज्यूमर शेयर के बारे में। बजाज कंज्यूमर शेयर में अगर एंट्री करते हैं तो 150 के आसपास में एंट्री करिए, और टारगेट आराम से आपको 200 तो ईजिली टारगेट मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म व्यू में तो बहुत बढ़िया है। तो ये छोटा शेयर है, अभी नया नया रिलीज है, मैंने एक दो साल हुआ है, तभी भी ये 300 टारगेट अचीव करके अभी 50% में लिखा है। तो इसका हम अभी चलते हैं फंडामेंटल की तरफ, फंडामेंटल देखेंगे कैसा रहेगा इसका वीडियो। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो बजाज कंज्यूमर का फंडामेंटल शेयर है, फंडामेंटल हम देख पा रहे हैं, इसका जो वैल्यू आरओई एफडी और डिविडेंड रिटर्न एंट्री पॉइंट सारे ग्रीन सिग्नल है, यानी ये एंट्री पॉइंट के लिए बहुत बढ़िया है। और जो रेटिंग पॉइंट है, जो एनालिटिक्स रेटिंग देते हैं, 75% बता रहा है कि उसको लेने के लिए, यानी बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट भी दिया है। कंपनी प्रोफाइल क्या बना रहे आप देख रहे हो, बजाज आलमंड ऑयल, बजाज हेयर ऑयल, जितना प्रोडक्ट है यही सब चीज़ मार्केट में प्रोडक्ट कर रहा है। और इसका हम देखेंगे फाइनेंशियल्स, फाइनेंस 2018 to 2021 के बीच में प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, इसका देख पा रहे हैं ये प्रॉफिट का है, ये रेवेन्यू यानी खर्च कितना किया है। तो प्रॉफिट भी ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है, तो आने वाला समय में ये अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। इन्वेस्टर रेटिंग पॉइंट भी बहुत बढ़िया है, 75% रेटिंग दिया है, तो इसको मेरे रिकमेंडेशन से आपको लेना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये 50% गिर चुका है। तो इस वीडियो में हम यही बात किए, बजाज कंज्यूमर शेयर पर आप रिकमेंडेड है, यहाँ आप ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा रहा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।